इनकम अंडर द हेड सैलरीज, एचआरए की इलस्ट्रेशंस कर रहे थे हम, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। एक और इलस्ट्रेशन इसकी जल्दी से कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन 4 आपकी बुक की। जगदीश इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड। जगदीश एंड एज ऑन 31 मार्च 2020 हिज बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितनी है उसकी, हिज रुपीज 8,000 पर मंथ। उसको डीए मिलता है और डीए कितना है, 40% ऑफ बेसिक सैलरी। आपको डीए का अमाउंट दे रखा होता है ना कि डियरनेस अलाउंस इतना है, यहां पर आपको डीए की परसेंटेज दे रखी है कि बेसिक सैलरी का 40% जो है वो डीए है। ठीक है, कोई बात नहीं। और साथ ही ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है कि इस डीए में से जो 60% डीए है इज कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 40% ऑफ बेसिक सैलरी कर लो, जितना आएगा उसका 60% जो है वो डीए एंटर है। आपको एचआरए के पर्पस के लिए क्या चाहिए होता है, डीए एंटर चाहिए होता है। तो डीए एंटर आप कितना लेंगे, 60% लेंगे, जितना डीए आपका निकल के आएगा उसका। ऑडियो किसका ऑन है, एचआरए 2,000 पर मंथ। वो कह रहे कि विद इफेक्ट फ्रॉम ये मतलब यहां से 1/11/2019, 1/11/2019 से उसको इंक्रीमेंट मिला है, उसकी सैलरी बढ़ी है। कितने का इंक्रीमेंट मिला है, 1,000 का। पहले उसकी सैलरी कितनी थी, 8,000, अब उसकी सैलरी कितनी है, उसकी सैलरी 31/3 को 8,000 थी। अगर 31/3 को 8,000 थी और उसको इंक्रीमेंट अगर 1/11 से मिला है, दैट मींस कि इंक्रीमेंट से पहले उसकी सैलरी कितनी थी, 7,000 पर मंथ। टाइमलाइन बना के समझेंगे इसे, इन हिज बेसिक सैलरी, उसको बेसिक सैलरी में 1,000 का इंक्रीमेंट मिला है। ही वॉज स्टेइंग विद हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था। कब तक, टिल 31 अगस्त 2019। 31 अगस्त 2019 तक वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था, रेंट पर नहीं था। 1/9/2019 से वो दिल्ली के घर में चला गया। He moved to a house in Delhi. रेंट पर दिल्ली में चला गया एंड वहां पर जाके वो 2,000 प्रति महीना रेंट देने लगा। कंप्यूट एचआरए। ऐसे क्वेश्चंस में सही ये रहता है कि आप टाइमलाइन बना लें। टाइमलाइन बनाते हैं, ईयर स्टार्ट हुआ 1/4/2019 से और खत्म हुआ 31 मार्च 2020।
वो कह रहे कि 31 मार्च 2020 को उसकी जो बेसिक सैलरी थी इस टाइम पे 8,000 पर मंथ थी उसकी बेसिक सैलरी। उसका जो डीए है 40% है, एचआरए 2,000 पर मंथ है, 1/11/2019, 1/11/2019 को उसका इंक्रीमेंट लगा है, इंक्रीमेंट लगा है उसका 1,000 पर मंथ का। तो इंक्रीमेंट से पहले उसकी सैलरी कितनी थी, दैट मींस कि इससे पहले उसकी सैलरी कितनी थी, इससे पहले उसकी सैलरी थी 7,000 पर मंथ, इंक्रीमेंट लगने के बाद उसकी सैलरी हो गई 8,000 पर मंथ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है, आप बैक कैलकुलेशन करी है यहाँ पर। और साथ ही वो ये कह रहा है कि 31/8/19 तक वो अपने पेरेंट्स के पास रह रहा था, यहाँ तक वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था। और भाई जब तक वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, रेंट पे नहीं कर रहा, यहाँ तक उसका सारा का सारा एचआरए टैक्सेबल रहेगा। क्या लिखवाया था कल मैंने आपको नोट में, कि जहां पर वो रेंट पे नहीं कर रहा वहां पर सारे एचआरए के ऊपर टैक्स लगता है। कितने महीने वो पेरेंट्स के पास रहा, 4, 5, 6, 7, 8, इन 5 मंथ्स में जब वो अपने पेरेंट्स के पास रहा तो सारा का सारा एचआरए टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि उसने रेंट पे नहीं किया। और यहां से लेकर यहां तक वो रेंट पे रहा, कहां, दिल्ली में, तो यहां पर एचआरए कुछ टैक्सेबल रहेगा कुछ नहीं रहेगा, वो हमें कैलकुलेशन करके पता चलेगा। तो आइए देखते हैं, फ्रॉम 1/4/2019 टू 31 अगस्त 2019, 5 मंथ्स वो अपने पेरेंट्स के साथ रहा है, स्टे विद पेरेंट्स, नो रेंट पेड, उसने कोई रेंट पे नहीं किया, इसलिए यहां पे पूरा एचआरए टैक्सेबल, फुल एचआरए टैक्सेबल। हाँ जी, इन 5 महीनों का एचआरए कितना कितना एचआरए मिल रहा था उसको, 2,000 पर मंथ इंटू 5, दैट मींस 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा उसका पूरा का पूरा। यहाँ पर आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट हो गया। अब आई बात इन 7 महीनों की, ये 7 महीने, इन 7 महीने के लिए आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, 6, 7 मंथ्स। इन 7 मंथ्स में एचआरए पार्शियली टैक्सेबल रहेगा, कुछ हिस्से के ऊपर टैक्स लगेगा, एंड पार्शियली एग्जेम्प्ट रहेगा। तो पार्शियली टैक्सेबल और पार्शियली एग्जेम्प्ट के लिए आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, और कैलकुलेशंस करने के लिए आपको मीनिंग ऑफ सैलरी चाहिए। मीनिंग ऑफ सैलरी में क्या आता है, 3 आइटम्स आती हैं। वो 3 आइटम्स कौन सी हैं, बेसिक, डीए एंटर एंड कमीशन। कमीशन इस क्वेश्चन में हमें दे नहीं रखी, इसलिए हम पहले बेसिक करते हैं। अब बेसिक में भी ये देखिए, 31 अगस्त से लेकर 1 नवंबर तक कितने महीने हुए, अगस्त को छोड़ दीजिए, अगस्त निकल चुका, सितंबर, अक्टूबर, 2 महीने, 2 महीने के लिए उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, 2 महीने उसकी बेसिक सैलरी 7,000 है, बाकी 5 महीने उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, 8,000। समझ रहे हैं आप बात, इन 7 मंथ्स में भी 2 महीने तो उसकी सैलरी 7,000 है और बाकी 5 महीने उसकी सैलरी 8,000 है। चलिए जी,
मीनिंग ऑफ सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी कितनी रहेगी आपकी 7,000 दो महीने के लिए प्लस 8,000 पांच महीने के लिए, कितना आ जाएगा 54,000। और आता है आपका डीए एंटर। पहले तो डीए कितना है बेसिक सैलरी का, ये देखिए बेसिक सैलरी कितनी है 54,000। बेसिक सैलरी का 40% तो डीए है, बेसिक सैलरी का 40% डीए है, कितना है 21,600 इज डीए। दिस इज डीए, तो डीए एंटर कितना होगा बताइए, डीए एंटर कितना होगा, जितना डीए आया उसका 60% एंटर कर रहा है सिर्फ, इसका 60% हुआ 12,960। अब जब आप सैलरी का मीनिंग लेते हैं एचआरए के लिए तो क्या क्या लेंगे, एक तो ये लेंगे एक ये लेंगे, क्या सिंपल डीए आएगा, नहीं ये नहीं आएगा, लेकिन आपको 40% निकालना जरूरी था। अगर आप ये 40% नहीं निकालते तो आपको डीए का एंटर कैसे पता चलता, समझे, क्योंकि आपको यहाँ पे डीए का अमाउंट नहीं दे रखा, आपको यहाँ पे डीए की परसेंटेज दे रखी है, और डीए की परसेंटेज कितनी दे रखी है बेसिक सैलरी का 40%। तो पहले आप डीए कैलकुलेट करें, 40% ऑफ बेसिक कर लिया, वो कह रहा है जितना डीए आएगा उसका 60% जो है वो एंटर कर रहा है, जितना डीए आया उसका 60% एंटर कर रहा है 12,960। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ सैलरी, मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर एचआरए क्या क्या आ जाएगा इसमें, बेसिक जो कि 54,000 है, बेसिक प्लस डीए एंटर 12,960। तो इस हिसाब से आपका आपकी सैलरी कितनी बनी, इतनी 66,960। ये हो गया। अब आपको करना है 7 months की कैलकुलेशंस। 7 months के लिए एचआरए एग्जेम्प्ट कितना रहेगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इन सब में से जो सबसे कम है उसमें फर्स्ट क्या है, एचआरए रिसीव्ड, कितना एचआरए मिल रहा है 2,000 प्रति महीना, इसमें कोई बदलाव नहीं है, सो 2,000 × 7 इज 14,000। सेकेंड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड कितना है, कितना रेंट पे कर रहा है वो 2,000, 2,000 का रेंट पे कर रहा है, एक महीने का तो 7 महीने का इतना, माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी आई आपकी 66,960, 7 महीने की सैलरी, तो ये आपका आ जाएगा 7,304। तीसरा, 50 या 40 लगाने के लिए देखिए कि वो रह कहाँ रहा है, दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली में परसेंटेज चलेगी आपकी 50%, 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ व्हाट 66,960, दिस कम्स आउट टू बी 33,480। इन तीनों में से लीस्ट कौन सा है, दिस इज द लीस्ट, ये लीस्ट है, तो टैक्सेबल एचआरए कितना 7 months के लिए, 7 months के लिए टैक्सेबल एचआरए कितना, एचआरए 14,000 मिल रहा है, 14,000 में से 7,304 एग्जेम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल कितना 7 months के लिए,
सेवन मंथ्स के लिए टैक्सेबल इज 6696। अब टोटल कर लीजिए, टोटल टैक्सेबल एचआरए 12 महीने का, 7 महीने का तो इतना टैक्सेबल, और 5 महीने का कितना टैक्सेबल, ये देखिए 5 महीने का कितना टैक्सेबल था, पूरा का पूरा 5 महीने का जो टैक्सेबल एचआरए है दैट इज 10,000, क्योंकि वहां पर छूट नहीं मिलेगी। सो टोटल टैक्सेबल एचआरए आपका कितना आ गया, 16696। ये 7 मंथ्स का, ये 7 मंथ्स का और ये 5 मंथ्स का। 5 महीने का तो पूरा एचआरए टैक्सेबल क्योंकि वो रेंट पर नहीं रह रहा, और बाकी 7 मंथ्स का इतना एचआरए टैक्सेबल, तो टोटल टैक्सेबल एचआरए इज 16696। ये जो एचआरए का पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हम अलाउंसेस की बात करें। अब इससे नेक्स्ट पार्ट क्या है, हम थर्ड कैटेगरी पे थे। थर्ड कैटेगरी कौन सी थी आपकी, पार्शियली टैक्सेबल एंड पार्शियली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। हम इस पार्ट पर थे और इस पार्ट पर हमने जो फर्स्ट जो एचआरए वाला पार्ट है वो हमारा हो चुका है। सेकंड कैटेगरी आती है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस भाई, आपके पास गेस्ट्स वगैरह आते रहते हैं, जब आप ऑफिस में होते हैं तो उनको चाय बिस्किट समोसा वगैरह खिलाना होता है, इसके लिए इन खर्चों को आप कहते हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। अब एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आप ऑफिशियल गेस्ट्स के लिए कर रहे हैं तो आप अपनी पॉकेट से तो पे करेंगे नहीं, तो ऐसे में सरकार आपको कुछ भत्ता देती है, आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको कुछ अलाउंस देता है, एंड दिस अलाउंस इज नोन एज एंटरटेनमेंट अलाउंस। सो एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर आप, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिल रहा है तो क्या रहेगा, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिल रहा है तो क्या ट्रीटमेंट रहेगा, ये देखना है हमें। अगर तो आप गैर सरकारी कर्मचारी हैं, आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, तो यहाँ पर अगर आपका एम्प्लॉयर आपको किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट अलाउंस देता है उसके ऊपर आपको पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा, फुल्ली टैक्सेबल। अगर आप गैर सरकारी हैं, गैर सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, ठीक है जी, कोई छूट नहीं। अगर आप गैर सरकारी कर्मचारी हैं आपको पूरे एंटरटेनमेंट अलाउंस के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो वहां पर आपको छूट मिलेगी। कितनी छूट मिलेगी, एग्जेम्प्ट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो सबसे कम होगा उतनी छूट मिल जाएगी। फर्स्ट क्या है, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस। जितना आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है आप वो ले लीजिए। दूसरा, या मैक्सिमम 5,000 की मिल सकती है छूट, या फिर 20% ऑफ सैलरी। अब भाई जहां पर सैलरी की बात आती है वहां पर तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई सैलरी का मतलब क्या है, ये 20% कौन सी सैलरी का लेना है, बेसिक लें कि डीएबी ऐड करें, समझ में नहीं आ रहा। एचआरए के केस में तो हमने 3 आइटम्स ली थी मीनिंग ऑफ सैलरी में, अब यहां पर जब हम 20% ऑफ सैलरी करेंगे तो सैलरी में क्या आएगा, नोट, सैलरी फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस। जब आप एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए सैलरी लेंगे तो उसमें क्या क्या लेंगे,
ओनली बेसिक सैलरी, ओनली बेसिक सैलरी, सिर्फ बेसिक सैलरी आएगी बस। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस में कैलकुलेशन इजी है, आपने सिर्फ बेसिक सैलरी देखनी है। एचआरए में हम क्या देखते थे, बेसिक बीए एंटर कमीशन, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बेसिक सैलरी लेंगे, तो इसको कैलकुलेट करना आपके लिए इजी हो जाएगा। एक क्वेश्चन करके देखें, दिस इज इलस्ट्रेशन 5 ऑफ योर बुक, इलस्ट्रेशन 5। राजेश एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, राजेश अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बेसिक सैलरी 220,000 पर एनम, पर एनम मतलब पूरे साल की सैलरी है ये। डीए कितना है, 40% ऑफ बेसिक। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है, 12,000। उसका एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, जो उसके पास गेस्ट्स आए थे, मेहमान आए थे, उनके ऊपर उसका एक्चुअल खर्चा कितना हुआ एंटरटेनमेंट पर, 15,000। क्या ये मायने रखता है, नहीं। क्या हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी है कि एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, नहीं। कितना एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है यही काफी है बस, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ हमें नहीं देखना, तो इसका कोई फायदा नहीं है 15,000 का, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। कंप्यूट टैक्सेबल एंटरटेनमेंट अलाउंस, सबसे पहले तो आप देखिए कि क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर है तो ही कैलकुलेशंस करेंगे, अगर गैर सरकारी कर्मचारी होता तो पूरा का पूरा टैक्स लग जाता। सरकारी कर्मचारी है जी, तो आगे बढ़ते हैं। एग्जेम्पशन, छूट कितनी मिलेगी, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, पहला एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस, भाई एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको मिल कितना रहा है, 12,000, ये पूरे साल का है 12,000 पर एनम। दूसरी लिमिट क्या है, 5,000 की, और तीसरी लिमिट क्या है, 20% ऑफ सैलरी, और यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक सैलरी, तो 20% ऑफ बेसिक, और हमारी बेसिक सैलरी कितनी है, 2,20,000 का 20% कर लीजिए, कम्स आउट टू बी 44,000। इन तीनों में से सबसे कम कौन सा है, इन तीनों में से सबसे कम है 5,000, दिस इज लीस्ट, लीस्ट की छूट मिल जाएगी, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, मिल कितना रहा है, 12,000, 12,000 माइनस छूट कितने की, 5,000 की, 7,000 के ऊपर टैक्स लग जाएगा। साथ ही साथ नोट लिख लें कि ये जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है कि कितना असली खर्चा हुआ, असली खर्चा जितना भी हुआ इज नॉट कंसीडर्ड, उसको आपने कंसीडर नहीं करना, ठीक है जी।
इसका कोई फायदा नहीं है, दिस इज इररेलीवेंट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहीं पे भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं चाहिए। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो डाउट। तो हमने अब तक कितने करे, पार्शियली टैक्सेबल एंड पार्शियली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस में एक एचआरए कर लिया, एक एंटरटेनमेंट अलाउंस कर लिया, थर्ड करते हैं। थर्ड कैटेगरी कौन सी है? कुछ अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं, अलाउंसेस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस, आपके निजी खर्चों के लिए, आपके निजी खर्चों की पूर्ति के लिए दिए जाते हैं। निजी खर्चों की पूर्ति के लिए दिए जाते हैं, और ऐसे में आपको टैक्स कितना पे करना होता है, कितना अमाउंट टैक्सेबल होता है, एग्जेम्पशन कितनी मिलती है। एग्जेम्पशन इज इक्वल टू जितना भी आपको अलाउंस मिला, अलाउंस रिसीव्ड माइनस जो भी आपकी लिमिट है। इसमें आपके बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, थर्ड में, थर्ड के अंडर सब कैटेगरीज हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी आपकी आती है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। हाँ जी, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई क्या है? ये आपका निजी खर्चा है। बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको भत्ता मिल रहा है, अलाउंस मिल रहा है, कितने की छूट मिलेगी, लिमिट क्या है, एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, इज इक्वल टू ₹100 पर मंथ, हर महीने के ₹100। भाई एक बच्चा नहीं है, तीन बच्चे हैं, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, जितने बच्चे उतने ₹100। और एग्जेम्पशन कितनी, लिमिट, या फिर अगर मान लीजिए आपको अलाउंस ज्यादा मिल रहा है, जितना भी आपको अलाउंस मिल रहा है वो ले लीजिए, दोनों में से जो भी कम होगा, विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट। छूट कितने की मिलेगी, या तो ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, या फिर जितना आपको अलाउंस मिल रहा है वो ले लीजिए, जो दोनों में से कम होगा उतने की छूट मिल जाएगी। ऐसे तो भाई आप कितने बच्चों के लिए करेंगे ऐसा? सरकार कहती है मैक्सिमम, हद से हद ये खर्चा मिलेगा 2 children के लिए, मैक्सिमम ऑफ 2 children, सिर्फ 2 बच्चों के लिए मिलेगा ये खर्चा, ठीक है जी। एग्जाम्पल लेते हैं एक, फिर समझ में आ जाएगा आपको। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, मान लीजिए ₹3600 पर एनम, एक साल का इतना मिल रहा आपको। ठीक है, अब आप बताइए एग्जेम्पशन कितनी होगी, कितने की छूट मिलेगी, या तो 100 × 12 × आपके मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के लिए कितनी भी छूट मिलेगी, 2400, और एक्चुअल अलाउंस कितना है,
कितना मिल रहा है आपको? 3600। दोनों में से कौन सा कम है? लीस्ट, ये कम है। तो टैक्सेबल कितना रहेगा? टैक्सेबल इज इक्वल टू बिल कितना रहा? 3600। और छूट कितने की मिल गई? 2400। तो टैक्स कितने के ऊपर लगेगा? 1200 विल बी टैक्सेबल। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के केस में आपको 100 प्रति महीना आपको अलाउंस की छूट मिलती है पर मंथ पर चाइल्ड, लेकिन मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए, या फिर जितना आपको अलाउंस मिला वो ले लीजिए। दोनों में से जो कम है उतने की आपको छूट मिल जाएगी, बाकी के ऊपर टैक्स लग जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।